माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं उपस्थित समस्त महानुभावगण को मेरा सादर प्रणाम। महोदय, मैं राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव गांग्यासर से संबंध रखती हूं और उस छोटे से गांव से उठकर आज इस ऐतिहासिक भवन में इस सभा को संबोधित करना मेरे लिए अत्यंत गौरव व सम्मान की बात है। मेरी ही भांति भारतीय सूचना सेवा के सत्र 2016-2017 में देश के विभिन्न भागों से विविध पृष्ठभूमि के साथ 27 अभ्यर्थी चयनित होकर आए। भारत, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, के प्रतिष्ठित सर्वोच्च तकनीकी शिक्षण संस्थान IIT दिल्ली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैं एकमात्र महिला विद्यार्थी थी, जो यह दिखलाता है कि भारत भले ही विज्ञान, अंतरिक्ष, तकनीक आदि क्षेत्रों में आगे बढ़ गया हो, परंतु लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक मुद्दों पर अगला मुकाम हासिल करना अभी बाकी है। सिविल सेवा से जुड़कर मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं इन मुद्दों के प्रति जनता की संवेदनशीलता को उभार सकूं। अपने प्रशिक्षण के दौरान मैंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के क्रियान्वयन में सूचना व संवाद की भूमिका को समझने हेतु गाँवों का दौरा किया और जाना कि किस प्रकार इस योजना ने महिलाओं को घर, घूंघट और धुएं के गुब्बार से बाहर आने का एक अवसर प्रदान किया। कुछ ऐसे ही और प्रयासों की विकसित होते भारत को दरकरार है। महोदय, सुचित समाज ही सशक्त समाज बन सकता है। मेरा विश्वास है कि इस संदर्भ में सूचना का महत्व इस डिजिटल विश्व में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण भारत व शहरी इंडिया की दूरी को सूचना क्रांति समाप्त करने में सक्षम है। भारतीय समाज के कई भाग हैं जो भिन्न भिन्न विशेषताएं लिए हैं और इन विविधताओं की वास्तविकता को सरकारी नीतियों में पिरोने के लिए प्रथम नागरिक को अंतिम नागरिक से जोड़ना जरूरी है, जो कि सूचना के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान युग सूचना क्रांति का विकसित स्वरूप लिए हुए है, जहां सोशल मीडिया की भूमिका दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वहीं सोशल मीडिया की इस बढ़ती भूमिका ने फेक न्यूज़, पोस्ट ट्रुथ जैसे चिंताजनक मुद्दों को भी उभारा है। अतः इस स्थिति में सरकार की सक्रियता की मांग सूचना प्रसारण में और भी बढ़ जाती है। वस्तुतः भारतीय सूचना सेवा की प्रासंगिकता दिनों दिन बढ़ रही है और इसी प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए हमें 8.5 महीनों के प्रशिक्षण के दौरान सूचना व संवाद के विभिन्न आयामों, चुनौतियों व उपायों से अवगत करवाया गया। महोदय, सिविल सेवा से जुड़ने का हमारा उद्देश्य यह था कि हम नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन का हिस्सा बनकर देश में सतत व समावेशी विकास को सुनिश्चित कर सकें और हम इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि भागवत गीता की यह पंक्ति, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवः अर्जुन, हमें सदैव कर्म मार्ग में अर्जुन के समान योगी बनने की प्रेरणा देती रहेगी व लोक सेवा हेतु आने वाले भविष्य में निरंतर मार्गदर्शित करती रहेगी। राष्ट्रपति महोदय, आशा है कि इस मार्ग में आपका मार्गदर्शन हमें यूं ही आगे भी प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद। महोदय, आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रथम नागरिक के समक्ष स्वयं को अभिव्यक्त करते हुए मैं काफ़ी हर्षित महसूस कर रहा हूँ। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सह नहीं अदभाई। अर्थात दूसरे के कल्याण से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुँचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। महोदय, इसी भावना को हृदय में संजोए हुए हम सभी ने भारत की प्रतिष्ठित सिविल सेवा में अपने कदम रखे। महोदय, इस कार्य के लिए हमें दिनांक 11 दिसंबर 2017 को शिमला प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। शिमला, जो कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक हुआ करता था और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति महोदय का ग्रीष्मकालीन निवास स्थल है, उसी शिमला की मनोहर वादियों में हमारी लेखा परीक्षा एवं लेखा अकादमी स्थित है। महोदय, हम सभी अधिकारी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शिमला आते हुए पहली बार दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर आए और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने राज्य से ही पहली बार बाहर निकले। हम सभी में भाषागत, सांस्कृतिक इत्यादि विविधता थी, परंतु एक चीज़ थी जिसने हमें एक सूत्र में पिरोने का काम किया, वह था हमारा छात्रावास, जिसका नामकरण यारोज नामक पुष्प के आधार पर किया गया है और इसका उल्लेख होमर जैसे महाकाव्य में भी किया गया है। महोदय, जब हम पहली बार अकादमी पहुँचे तब जिस बात ने हमारा ध्यान सर्वप्रथम आकर्षित किया वह था हमारी सेवा का आदर्श वाक्य, लोक हितार्थ सत्यनिष्ठा, जिसका अर्थ है जनहित के लिए सत्यनिष्ठ होना। यह आदर्श वाक्य हमारे प्रशिक्षण के प्रत्येक स्तर पर परिलक्षित होता है, चाहे हमारे प्रशिक्षकों का समर्पण भाव हो या हमारे संस्थान के कर्मचारियों का सहयोग भाव।
यह पूरा अकादमिक वातावरण हम प्रशिक्षु अधिकारियों को कर्मठतापूर्वक अपने प्रशिक्षण को पूरा करने हेतु प्रेरित करता है। हमारी अकादमी में लेखा एवं लेखा परीक्षा के गहन अध्ययन के साथ साथ प्रशिक्षु अधिकारियों के व्यक्तित्व के बहुव्यापी विकास को सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि अधिकारियों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने हेतु प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा उनके भोजनालय का प्रबंधन स्वयं किया जाता है। साथ ही साथ हम शिमला में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच का संचालन करते हैं एवं समय समय पर हम भारत की विविधता का प्रदर्शन करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया करते हैं। महोदय, हमारा यारोस केवल भारत की विविधता का ही प्रतीक नहीं है, अपितु यह वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमारी अकादमी रॉयल ऑडिट अथॉरिटी भूटान के 2 अधिकारीगणों को प्रशिक्षण प्रदान करती है। आज गर्व के साथ हमें कहना चाहते हैं कि संविधान हमें जो जिम्मेदारियां सौंपता है, यह प्रशिक्षण हमें उन जिम्मेदारियों का उचित रूप से निर्वहन करने योग्य बनाता है, और हम निश्चित रूप से संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के उस दृष्टिकोण को पूरा करने में सक्षम होंगे, जहां वह ये कहते थे कि भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संविधान का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि कुछ मामलों में न्यायपालिका से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। I take immense pride and pleasure in addressing the Honorable President in the allowed precincts of the Rashtrapati Bhavan. We, the 2016 batch of IIS officers, will be completing our training by the end of this month. The first year of our training was spent in the historic adobe of Yaros amidst the misty clouds and silent hills of Shimla. The warmth and affection that we received in Yaros has indeed made it a second home for all of us. During the course of our stay in Shimla, we undertook many adventure treks in and around the hills. One such was the grueling 6-day trek to the Chandranahan. As we walked in arms through the pouring rains and supported each other through narrow stretches, I felt and experienced the true meaning of esprit de corps. In the field, we were heading different audit teams, which exposed us to various kinds of audit, like performance, compliance, and financial audit. The product of these audits is the CAG's audit report that is placed in the floor of the central and state legislatures. We also attended sessions of the Public Account Committee where these audit reports are discussed. It is here that we understood the significance of audit in bringing about timely course corrections and adding value to good governance. Further, in the accounts field training, we had hands-on experience in the processes and procedures involved in the compilation of state government accounts. The CAG of India is currently the chair of United Nations Board of Auditors. For the foreign study in the phase 2, we were attached to this office in the United Nations headquarters at New York. We learned that as IIS officers, we not only improve the efficacy of governance in India, but also in international organizations worldwide. The true spirit of service to the public, irrespective of culture and nationality, was illustrated here. As this elaborate period of training comes to an end, I can say with confidence that each one of us has transformed immensely. We came from all parts of India with diverse backgrounds, clueless about what was in store for us. But now, we are proud civil servants who are ready to execute the responsibilities bestowed upon us by the Department and the Constitution of India. On behalf of all the civil servants here, I pledge and quote the words of Margaret Chase Smith. Public service is more than doing a job honestly and efficiently. It is complete dedication to the public and the nation. Thank you. मैं भारतीय व्यापार सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी गणों की ओर से आप सभी को हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। मान्यवर, आज यहां राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक एवं भव्य प्रांगण में उपस्थित होकर हम अपने आप को गौरवान्वित एवं उत्साहित महसूस कर रहे हैं। प्रशिक्षण की अंतिम घड़ियों में आपका अतुलनीय अनुभव एवं अनुकरणीय व्यक्तित्व निश्चित रूप से हमारे व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में निरंतर कामयाबी की आधारशिला रखेगा, ऐसा हम सबका अटल विश्वास है। महोदय, जैसा कि आपको विदित है, भारतीय व्यापार सेवा का गठन सन 1977 में किया गया था। वर्तमान में इस सेवा का ब्रह्म वाक्य है, व्यापार उन्नति मूल है, अर्थात व्यापार उन्नति का मूल है। आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, किसी भी राष्ट्र की उन्नति उसके व्यापारिक दृष्टिकोण, पड़ोसी राष्ट्रों से संबंध और उसके व्यापारिक अधिकारियों की कार्यशैली पर निर्भर करती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल व्यापार है। अगर राजा को राष्ट्र को सबल सशक्त बनाना है तो उसके लिए वैश्विक पटल पर अपने व्यापारिक हितों को साधना होगा और राष्ट्र
जिससे राष्ट्र आर्थिक महाशक्ति बनकर उभर सके। सैकड़ों साल पहले कही गई ये बात आज भी प्रासंगिक है। श्रीमान, वाणिज्य मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा व्यापार सेवा के समस्त अधिकारीगण आचार्य चाणक्य के दृष्टिकोण को केंद्र बिंदु मानकर भारतीय व्यापार सेवा की दिशा और दशा दोनों की सकारात्मक उन्नति हेतु निरंतर प्रयत्नशील हैं। महोदय, वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य पर व्यापारिक और आर्थिक हित सबसे ज़्यादा हावी हैं और विश्व के सभी राष्ट्र अपनी आर्थिक और व्यापारिक ज़रूरतों के हिसाब से विश्व पटल पर अपने संबंधों को पुनः परिभाषित कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत भारत भी अपने व्यापारिक और आर्थिक हितों तथा सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से भलीभांति परिचित है। हमारी विदेश व्यापार नीति का निर्माण इन्हीं हितों को केंद्र में रखकर किया जाता रहा है। श्रद्धेय राष्ट्रपति जी, प्राचीन काल में भारत सांस्कृतिक विश्व गुरु ही नहीं बल्कि वैश्विक वाणिज्य का आधार भी रहा है। आज उसी पद पर पुनः आसन होने के लिए भारतीय व्यापार सेवा के युवा अधिकारियों को मजबूत इरादे, अतीत का गहन अध्ययन और वर्तमान की व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संघर्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। राष्ट्रपति महोदय, बालकवि बैरागी की पंक्तियाँ हैं कि काजल के पर्वत पर चढ़ना और चढ़कर पार उतरना बड़ा मुश्किल है, निष्कलंक रहकर यह सब करना। इस सेवा में राष्ट्र को व्यापारिक और आर्थिक रूप से और सशक्त बनाने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। आपके आशीर्वाद और व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर हम निष्कलंक रूप से इन दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा है। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारत।